बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं साहिवाल में मौजूद हूँ। इधर एक गांव है और गांव का नाम है त्रेट फाइवेल, जहाँ पे ये पावर प्लांट लगा हुआ है। बिजली का जो पावर प्लांट है उसके बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे एक बाग है, तो हम चलते हैं बाग से, आपको दिखाते हैं। बाग का व्यू आपको दिखाते हैं और माली से भी बात करते हैं कि उसने ये कितने का ठेके पे लिया और क्या उसको प्रॉफिट हुआ और सारी डिटेल किस तरह से है, तो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें मरूद लगे हुए हैं, उसके अलावा जामुन के भी दरख्त हैं, इसके अलावा यहाँ पर शतूत भी लगे हुए हैं। तो बड़ा प्यारा मंजर है। तो वो सामने बैठे हैं माली साहब, तो उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला। हाँ जी माली साहब, की हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी। ऐसा रहे, तुसी बाग दे मालक हो या ठेके ते लिया है? नहीं जी, ये माल ते अल्लाह दा ही है जी, असी तो पहली ठेके ते लई है जी। अच्छा जी, ठेकेदार मतलब है, और पार्टी है जी, असल मालिक है जी, असी ठेकेदार है जी। ठेकेदार ते सारे 2.5 किले हैगा बाग। हाँ जी, 2.5 किले हैगा। हाँ जी, ते ये सारे ठेका किन्ना हैगा इंदा? इंदा ठेका ते असी 2.5 लाख ही भरिया वा। 2.5 लाख रुपया साल दा? साल दा। ते इंदे की हैगा? इंदे च अमरूद आ, कुछ अंब दे बूटे हैगे आ, कुछ इस तरह करके, मतलब ज्यादा अमरूद ही आ। हां जी, लेकिन बुनियादी चीज तो अमरूद है ना, बाग है अमरूदा दा। हां जी, ठीक है ना। उस तो अलावा बाकी को 2-4 बूटे अंबा दे नो, मतलब कोई नहीं, वो विच ही दे देते ने। ठीक हो गया। स्पेशली है बाग जड़े ना अमरूदा दा ही है। उस तो अलावा जमीन च भी तुसी पौधे पूधे लाए ने? मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कीता मालिका ने, जो कुछ कीता है असी तो सिर्फ ना ठेका भरिया अमरूदा नहीं है, जिवें पट्ठे लगे ने, पट्ठे हुण उन्हां ने बीचे आ, पहले इत्थे बाग सी किला। ठीक, पट्ठे तुसी लगाए ने? पट्ठे असी राह कीते गड्डी उन्हां दी जमीन, पहले बाग सी ये, एक एकड़ सी बाग ही अमरूदा दा सीगा। ठीक हो गया। ओ मालिका दा माइंड बदलिया, उन्हां ने स्पेशली अमरूद लियाया शिरकपुर बच्चे। अच्छा, शिरकपुर तो लिया है? हाँ, स्पेशल लाया उन्होंने। ते वेच उन्होंने कहा भी छोटे है, चलो गाचा मकई गट दे, अद्धे पैसे तुसी ले लिया, अद्धी असी ले लिया। मेहनत मैं कीती है, जमीन मालका दी आ। अच्छा, हुण तुसी 2.5 लाख रुपया दे के साल वास्ते जमीन लई है, जिंदे च बाग है? हाँ जी। ते बाग च मरूद लगे ने, मरूदा दे पेड़ ने? हाँ जी, हाँ जी। ते ए मरूद डेली, इंदे दो सीजन आंदे ने ना, गर्मियां दा ते सर्दियां? गर्मी सर्दियां दो फल लगदे ने, गर्मियां नूं वी सर्दियां नूं। हाँ जी। बूटिया काला दुकाला खड़ा अमरूद, साल पूरा हो गया। डेली दा फल किन्ने दा ला रहे जी? डेली दा जी इस तरह को मंडी भी भेजी दा वा तोड़ के, कुछ फेरी फूरी आले जेड़े लेंदे आ, पिंडा पुंडा च वेचदे आ जाके, ओना नूं इत्थे चुकाई दे आ, ओ लै जांदे आ। हां जी, मतलब मैक्सिमम कदे 7,000 भी बन जांदा डेली। हां जी, कदे 5,000 मार्केट दे हिसाब नाल, जे अगर मार्केट मंदी होए तो फिर पैसे थोड़े बनदे आ। यानी के 5,000 दा एवरेज 4-5,000 तुसी ला लो ना, 4,000-5,000 दा डेली तुसी फल ला के मंडी भेज रहे? हां जी, शुक्र है अल्लाह दा। ते ओ तकरीबन तुसी 2 महीने लाओगे, 3 महीने? नहीं, सीजन पूरा चलता वा, 3 महीने का होंगे? नहीं, 6 महीने का सीजन होंगे वा। नहीं, ऐ जदों फल लगता रहता है, ये तुसी 3 महीने लांदे कि 6 महीने लांदे? ₹1,5,000 रुपया महीने का बन जाता, 2 महीने पैसे पूरे हो जाते ने, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਬਾਗ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰੂਦ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਓ?
फल तो समझ सीजन खत्म होने लगा वा कुछ लगे आ मतलब बूटिया दे तकरीबन बाग हुण खत्म हो गया वा हैगे बूटिया दे कुछ खड़े आ आ जांदे फिर सानू दिखा देंदे थोड़ा जिहा नाल जाओ जी विजिट कराओ दिखा दे अग्गों सानू कुत्ते ही ना पै जावे नहीं नहीं कुत्ते कोई नहीं है जी विजिट कराओ जी उत्ते रखे कोई फल दे लगे ने आ देखो ना आ देखो जी फल लगे ने लेकिन आ कच्चे ने जेडे पक्के पक्के ओ तुसी तोड़ी जांदे जे ते बेची जांदे हां पक्के आ तोड़ लईदे आ कच्चे ते फिर नहीं ना हां जी काम नहीं देंदे हां जी खराब हो जांदे बाग ते माशाल्लाह जी बहुत सोहना लगा है हां जी ठेका भी बड़ा मुनासिब है ते हुण अगे तुसी रखोगे या नहीं बस फारग कर देना देखो जी अगे असी ते चले हैं पत्तो बाग ले रहे हां जी तुसी पत्तो जार हां जी 20 किलो दा बाग उत्ते साडा पेमेंट हो गई आ साई बयाना हो गया वा डाउन पेमेंट जेड़ी देनी सी ओ देती आ हां जी बाग दे पैसे किस्ता नाल दिपदे आ अच्छा जी किस्ता एक दफा यकदम नहीं देने नहीं एक मोड़ ते पैसे नहीं देईदे अगर 2.5 लाख साडी डन होई है ना जी 50,000 दे देना किसी को सही बयाना 50 दे देना कोई 2 महीने ठहर के फिर 50 दे देना है जी एक तोड़ लवा या देखना है पक्का हां खा लो सी लो जी माशाल्लाह पक्का ते फल ते इनू हाले भी लगा है ते जेड़े पक जांदे ने ओ तुसी मंडी भेज देंदे बाकी लगे हां जी इसे तरह 3 महीने 3.5-4 महीने चल जांदे ने सीजन फिर चलदा रहंदा ते आ जांदे बाजूका ते बारिश दी वजह नाल मौसम खराब होवे ते फिर नहीं तोड़दे दूसरे दिन तोड़ लईदे आ इस तरह शुक्र अल्लाह दा 2.5 लाख दा लिया सी 2.5 नाल 2.5 कमाया अल्लाह दा शुक्र है जी फिर इदां ही अच्छा जी अगर हुण किसी होर दोस्त ने लेना होवे हां जी ते ओनु तुसी दवा सकदे जी कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई दोस्त लेना चांदा होवे ते ओनु कोई अपना मोबाइल नंबर दे देंदे या मालका ना मोबाइल नंबर दे मालका दा माइंड चेंज है उन्होंने कहा जी इस साल साफ रखना है बाग इस साल उन्होंने खुद रखना हां जी ते वैसे ते बाग बतेरे आ पाकिस्तान च हां जी मतलब है अगर थोड़ा माइंड है तो इंशाल्लाह सानू बाग लेके दिवा सकने हैं पाकिस्तान च बहुत बाग है जी देखो जी देखो जी लभण नाल ही आ अगर ते कोई दोस्त शौक रखदा वा ते कम पैसे नाल देखो जी पहले तुसी अगर 2.5 लाख से तुहानू बाग मिलया हां जी 50,000 रुपया तुसी बयाना देना है दे के तुसी बाग दा कंट्रोल ले लेना है ते अपना तुसी फल ला के बेचना शुरू कर दियो ते मालिक नू वेच वेच के पैसे दे जाओ फल वेच के पैसे दे दियो या जिस तरह भी ते भाई होनी घा तोड़ रहे हाए अपना मझा वास्ते ना बना रहे हैं पठे पुठे बना हाँ जी ठीक है आओ खान साहब खड़े ने साजिद खान साहब जी वो साजिद खान साहब मालिक है जी वो अच्छा ये मालिक ने हाँ जी जी खान साजिद खान साहब ने अस्सलाम वालेकुम जी ओ की हाल है साजिद खान साहब ਐ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਬਾਗ ਦੇ ਜੀ ਆਹੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰੋ ਮਾਰੂਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਬ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਜੋ ਇੰਨੇ ਚ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ ਡੀਪੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੋਡ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਦਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਰੋਡ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਵਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪਣਾ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ 63 5L ਹੈ। 63 5L ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਲਿਆ ਠੇਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਐਤਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਅਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਤੂਤ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਤੂਤ ਲਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਫੀ ਫਲ ਲਗਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਡੋਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਆ ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈੱਟ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਛੱਤ ਦੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ? ਆਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਆਂਦਾ। ਹਾਂ, 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਫਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਤੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਬੜਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੋਹਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬ ਖਵਾਏ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਲੇਬ ਖਵਾਇਆ, ਸ਼ੂਦ ਖਵਾਏ ਜੀ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਬਸ ਇਹ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਗਾਤ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਸਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਿਫਾਫ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
जितना भी मिट्टी शिट्टी पैंदी ओनु दो बिल्कुल साफ होएगा बिल्कुल ठीक है बिल्कुल इस तरह कोई भी चीज है ओ कोई फसल है कोई फ्रूट है ते ओंदे विच अल्लाह पाक ने किदरे कितने जड़े ने अपनी कुदरत दे नजारे रखे ने अपनी कुदरत तो अल्लाह पाक नजर आ रहे है बिल्कुल ठीक है ते अल्लाह पाक दी जड़े ना ओदी नमाज पढ़नी चाहिए पांच वक्त दी नमाज अदा करो बिल्कुल ठीक है अल्लाह ताला दे हुकूक पूरे करो बंदे दे हुकूक पूरे करो बिल्कुल ते किसे नाल जाति ना करो किसी की दिल आजारी ना करो सब तो वड्डी जड़ी बात है किसी की दिल आजारी ना करो ठीक है। ये मेरा पैगाम है सारे नू किसी भाई दी किसी मुसलमान दी दिल आजारी मत करो बहुत शुक्रिया ठीक है दोस्तों इन दे नाल ही तुसी सानू फिर इजाजत दियो ते साढ़े अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी होए ते इन चैनल नू सबसक्राइब कर देना ते वीडियो नू लाइक कर देना और बैल आइकन दा बटन प्रेस कर देना ताकि आने वाली जिन्नी भी मालूमत वीडियो होण ओह तुहाडे तक आसानी नाल पहुँच सकन ते अपना ख्याल रखना फिर अल्लाह हाफिज़।